हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड। तो आज मैं आपके लिए कढ़ी चावल की रेसिपी लेके आई हूँ। वो भी है अरबी पत्ते की कढ़ी या कोचई पत्ता की कढ़ी, जिसे हम इलहर भी बोलते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड। इसे बिना लहसुन प्याज का भी हम बना सकते हैं और बहुत टेस्टी बनता है। इसे आप नवरात्रि के समय भी बना सकते हैं, जब आप बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाते हैं तो, और आप अपना कढ़ी का आनंद ले सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, कोई कमी नहीं होता है इसमें स्वाद में। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले ये उड़द दाल ले लिया है मैंने और उसे भिगा के रख दी थी 3-4 घंटा। उसके बाद हम इसमें अदरक और मिर्ची डाल के इसे पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट बन गया है। अब इसमें नमक, हल्दी और हींग और लाल मिर्च पाउडर अगर चाहो तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। और ये सभी को डाल के इसे हम फेंट देंगे अच्छे से। इसमें ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है फ्रेंड, इसमें पानी थोड़ा कम ही रखेंगे, जिससे कि इसे हमें पत्ते में अच्छे से लगाते बनेगा। जैसे हम लोग बड़ा बनाते हैं वैसे ही पेस्ट रखना है, एकदम गीला नहीं करना है। और उसके बाद जो अरबी पत्ता है उसमें इसका लेप जैसे हम इसमें लगा देंगे। तो देखिए मैं कैसे लगाते हैं ये बताती हूँ आपको। ये देखिए अरबी पत्ता को पहले आप साफ़ धो के पोंछ लीजिए अच्छे से सूखा। और उसके बाद आपके पास अगर 2 पत्ता है फ्रेंड तो भी ये बन जाएगा। और आपके पास 4-6 जितना ही पत्ता होगा, जितना आप बनाना चाहते हो उतना बना सकते हो। कम से कम 2 पत्ता तो ज़रूरी है, क्योंकि 2 पत्ते के जोड़ने के लिए। तो देखिए इसमें इस टाइप से इस बैटर को फैला दीजिए। और दूसरे पत्ते को इसके ऊपर रख दीजिए और उसमें भी बैटर फैला दीजिए। और उसके बाद इस पत्ते को रोल कर लीजिए, जैसे आपको इजी पड़े रोल करने के लिए। तो देखिए मैं इस साइड से इसे रोल करते हुए आऊँगी। इसको ऐसे ही रोल कर लीजिए, बहुत आसानी से रोल हो जाता है। ये देखिए ये रोल हो गया। अब इसके ऊपर और एक कोट जो हमारा पेस्ट है उसे आप लगा दीजिए। तो ऐसे ही सभी पत्ते को तैयार कर लेना है। तो इसे अगर आप चाहो तो दूसरे विधि से भी आप पत्ते को जोड़ सकते हैं, दोनों पत्ते को। उसका भी तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे भी आप इसे 2 पत्ते को जोड़ो, बस रोल होना चाहिए। तो ये देखिए पहला पत्ता हम रखे और इसको ऐसे ही उल्टा रखना रखिए फ्रेंड, जिससे कि रोल करने में ईजी होता है। सीधे साइड अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से नहीं होता है, तो हम इसे उल्टा करके ही लगाते हैं। और देखिए इसका दूसरा तरीका ये है, आप चाहो तो पत्ते को एक को मतलब इससे अपोजिट दिशा में रख सकते हो और इसके बाद इसमें पेस्ट लगा के इसे भी आप रोल कर सकते हो। तो ये भी मेथड है, आपको जो अच्छा लगे आप कर लीजिए, लेकिन रोल करना है आपको। तो दोनों मेथड ठीक है, या आपके पास कुछ और तरीका है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और उसके बाद रोल करके इसमें फिर लास्ट में इसके ऊपर एक कोट उड़द दाल का पेस्ट को लगा लीजिए। अगर आप बेसन का बना रहे हैं तो बेसन का लगा लीजिए। बेसन का भी मैं अपने इस वीडियो में अपने चैनल में डाली हूँ फ्रेंड, अगर नहीं देखे तो एक बार चेक ज़रूर करना। उसका भी 2-3 वेराइटी है। ये उड़द दाल वाला मैं एक बार और डाल चुकी हूँ, लेकिन कई मेरे फ्रेंड हैं जो नहीं देखे थे, उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, तो मैं सेकेंड बार इसे फिर नया बना के डाल रही हूँ। तो ज़रूर आप देखिए, और मेरा पुराना वाला देखना है तो उसका लिंक मैं ये आपकी कोशिश करूँगी कि वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पे डालने की। तो देखिए अब इसे हम स्टीम में पकाएंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में पका लीजिए, और नहीं तो आप इडली सांचा भी इसे रख के पका सकते हैं। और वो भी नहीं है तो ऐसे ही कुछ भी कढ़ाई ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, और कोई स्टैंड होगा या फिर कुछ स्टैंड नहीं है तो कोई भी बर्तन रखिए, प्लेट वगैरह कुछ, और उसके ऊपर कोई भी थाली में थोड़ा सा तेल वगैरह ग्रीस करके ये जो आप पत्ते तैयार किए हैं उसे रख दीजिए। बस इसे हमें भाप में थोड़ा देर पकाना होता है, और ढक के पका लीजिए। तो ये मेरे पास मल्टी कढ़ाई है फ्रेंड, मैं उसी में पका रही हूँ। मल्टी कढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है स्टीमर, क्योंकि इसमें स्टीमर दिया रहता है, इडली बनाने का सांचा भी रहता है, और इसमें ढोकला बनाने का भी रहता है, इसलिए इसे मल्टी कढ़ाई हम बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारा मल्टी यूज़ होता है।
अब ये देखिए उस तब तक हम तैयारी कर लेते हैं उसके सब्ज़ी बनाने के लिए। तो ये टमाटर, दो टमाटर हैं जिसे मैं कट कर ली हूँ, और ये मिर्ची को मैं इस टाइप से दो दो टुकड़ों में कट की हूँ फ्रेंड। और एक कड़ी पत्ता भी ले ली हूँ, और जो बचा है दाल का पेस्ट उसे भी रखी हूँ, इसे भी हम अपने कढ़ी में यूज़ करेंगे। और तड़के के लिए ये सब ली हूँ मैं, जैसे कि अजवाइन है, मेथी है, सब थोड़ा थोड़ा ही लेना है। मेथी और अजवाइन को एकदम कम लेना है फ्रेंड, ज़्यादा नहीं लेना, बस ऐसी एक दो चुटकी लेना है। और जीरा और सरसों है, और ये जो है दही है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप यहाँ पर बटर मिल्क, मतलब मही छाछ जो बोलते हैं फ्रेंड, उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर दही है तो दही जो भी है खट्टा होना चाहिए, और थोड़ा सा अच्छा खट्टा दही होना चाहिए, तभी सब्ज़ी अच्छा लगता है, वरना ये जो पत्ता होता है थोड़ा सा खुजलाहट पैदा करता है। इसलिए अच्छे से खट्टा रहे तब कढ़ी का बहुत अच्छा मज़ा आता है खाने में। अगर आपके पास मतलब दही अगर खट्टा नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा अमचूर वगैरह भी मिला सकते हैं खट्टा ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो दही में भी थोड़ा सा हल्दी और नमक और लाल मिर्च पाउडर ये सब डाल के, और बेसन डालनी फ्रेंड, दो चम्मच बेसन डाल के इसे घोल बना लेती हूँ। और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दीजिए जिससे ये थोड़ा सा पतला घोल हो जाए। और अगर छाछ या बटर मिल्क से आप बना रहे हैं तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो तो पतला रहता ही है। और बेसन हम इसलिए डालते फ्रेंड क्योंकि जो दही है उसे जब हम डालते हैं सब्ज़ी में तो फिर वो फटने का डर रहता है, और उससे पूरा स्वाद जो है बिगड़ जाता है। तो ये सबसे अच्छा यही है फ्रेंड कि दो चम्मच आप दोनों इसमें बेसन फेंट लो, तो कभी फटने का डर नहीं रहता है और आपका कढ़ी भी बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए ये हो गया है मेरा, पक गया है और ठंडा भी हो गया है। तो इसे मैं टुकड़ों में कट कर ली हूँ, और इसे पहले हम थोड़ा सा तेल डाल के सैलो फ्राई कर लेंगे। इसमें इलहर को, इलहर भी बोलते हैं, चाहे तो आप इसे ऐसे ही हल्का सा सेलो फ्राई करके उसके ऊपर नींबू का रस डाल के आप इसे ऐसे ही नाश्ते जैसे खा सकते हैं कोई भी चटनी या सॉस के साथ, और नहीं तो आप इसे सब्जी बना सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छा लगता है इसका। और अगर आप प्याज खाते हैं फ्रेंड, अगर नवरात्रि नहीं है प्याज खाते हैं तो फोड़न में आप प्याज डाल सकते हैं। जब हम सरसों ये लाल मिर्च वगैरह जब डालेंगे उस टाइम में आप प्याज डाल सकते हैं, और चाहो तो लहसुन भी वहाँ पे डाल सकते हो या फिर तड़के में डाल सकते हो। और ये अभी मैं नवरात्रि स्पेशल बना रही हूँ तो मैं बिना लहसुन प्याज का ही बना रही हूँ इसे भी। और जो फ्रेंड मेरे चैनल में मैं पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और कैसा लगा आपको मेरा ये जो वीडियो है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आपके पास कुछ और आइडिया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा फ्रेंड। और इसे देखिए सेलो फ्राई जब हम कर रहे हैं तो आगे पीछे से इसे हल्का सा सेलो फ्राई कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा पलट दीजिए थोड़ी देर बाद जिससे दोनों साइड अच्छे से सेक आ जाए, मतलब तेल में अच्छे से भून जाए। और जब ये सेलो फ्राई अच्छे से हो जाएगा तब इसे हम निकाल लेंगे। और अगर आपको नाश्ते के लिए खाना है तो और इसे अच्छे से फ्राई कीजिए, और सब्ज़ी के लिए है तो उतना ज़्यादा फ्राई करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ फ्रेंड ये थोड़ा सा जो अच्छे से भुना हुआ उसे ही निकाल देती हूँ। मेरा बेटा जो है ऐसी सॉस के साथ या फिर ऐसी खाता है, मैं भी खाती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, और बाकी को मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। तो कुछ को मैं थोड़ा सा अच्छे से इसमें भून लेती हूँ, तो अब सबको निकाल लेते हैं। और उसके बाद अब हम इसी कढ़ाई में सब्ज़ी बनाएंगे। तो देखिए इसमें तेल है, अगर चाहो तो थोड़ा सा तेल और ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए थोड़ा सा अदरक मैं खींच ली हूँ, आधा इंच अदरक को, और आधा इंच अदरक को जब मैं दाल का पेस्ट बनाई थी उस टाइम में डाली थी। अदरक से कढ़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो कभी कभी मैं अदरक भी डालती हूँ ऐसे कढ़ी में। तो सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे सरसों, जीरा और जो अजवाइन है थोड़ा सा अजवाइन, एकदम कम अजवाइन, और थोड़ा सा मेथी, मेथी दाना और अजवाइन को एकदम कम ही डालिए, और सरसों जीरा का थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिए आप, और हींग डाल दीजिए थोड़ा सा।
और जो अदरक रखे थे पीस के उसे भी डाल दीजिए, हरी मिर्ची डाल दीजिए और मीठा पत्ती जो है करी लीव्स उसे भी डाल दीजिए। अब कटे हुए जो टमाटर है उसे डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। वैसे भी हम दही को फेंटते टाइम भी नमक डाले थे और कुचई पत्ता को जो बनाए हैं इलहर उसमें भी नमक डला हुआ है, तो इसमें नमक थोड़ा सा कम डालिए, नहीं तो नमक ये सब का मिला के नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो बस थोड़ा सा डाल दीजिए, बाद में चेक करके आपको जब और लगेगा तो आप डाल सकते हो सब्ज़ी में। अभी फ़िलहाल टमाटर को हमें हल्का सा जल्दी से सॉफ्ट करना है, तो थोड़ा सा नमक डालोगे तो जल्दी से सॉफ्ट होता है, इसलिए यहाँ पर नमक मैं डाल देती हूँ। अब देखिए हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है, मैश हो जा रहा है चम्मच से अगर हम ऐसा करके देखते हैं तो। अब दही जो हम फेंट के रखे थे उसे इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करते जाइए। और फ्रेंड अगर हम दही में बेसन मिलाए थे तो हमारा दही फटेगा नहीं, लेकिन अगर आप बेसन नहीं मिला रहते और ऐसे डालते हैं तो कभी कभी दही फट जाता है, पूरा सब्ज़ी को का स्वाद बिगाड़ देता है, वो खट्टा भी नहीं लगता और बड़ा अजीब लगता है फ्रेंड। तो कोशिश कीजिए कि एक कम से कम एक चम्मच तो बेसन ज़रूर उसमें फेंट लीजिए, और जितना ज़रूरत इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे पतला करने के लिए, क्योंकि दही हमारा गाढ़ा था। ये देखिए ये हमारा एक उबाल आ गया है हमारा कढ़ी में और कलर भी अच्छे से आ गया है। अब इसमें हम जो पका के रखे थे अरबी पत्ता का इलहर उसे डाल देते हैं और ढक के इसे अच्छे से पकने देते हैं 5 मिनट, कि जो रस है कढ़ी का वो अच्छे से इसमें आ जाए, हमारे जो पत्ता है इलहर है उसमें। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनता है फ्रेंड ये, और हर कोई इसे पसंद करता है। और जो उड़द दाल का जो पेस्ट मेरा थोड़ा सा जो बच गया था उसे भी आप इसमें ऐसे पकोड़े टाइप से गोल गोल करके डाल दीजिए, जैसे डुबकी कढ़ी मैं आपको बताई थी। नहीं देखी है डुबकी कढ़ी तो ज़रूर कढ़ी रेसिपी, मतलब मेरा जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कीजिएगा, सारी कढ़ी की रेसिपी आपको वहीं मिल जाएगी। तो इसमें जो आपका उड़द दाल का पेस्ट अगर थोड़ा सा बच भी जाता है तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा ये जब बॉईल होते रहेगा तब उसे आप पकोड़े जैसे बना के इसमें डायरेक्ट डाल दीजिए, वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए हमारा कढ़ी अच्छे से उबल गया है, 5 मिनट बाद आप चेक करेंगे तो बहुत अच्छे से उबल जाता है और बहुत ही अच्छा कलर भी आ जाता है, देखने में ही बहुत टेस्टी दिखता है, एकदम खाने का मन करता है फ्रेंड। अब आप गैस को बंद कर दीजिए, यहीं पर आपका कढ़ी तैयार है। एकदम ज़्यादा सूखा नहीं करना है कढ़ी को, ये तो मज़ा नहीं आता है कढ़ी में। और उसके बाद आप कढ़ी और चावल खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे नवरात्रि के समय भी आप इसका आनंद ले सकते हैं बिना लहसुन प्याज का। तो ये देखिए मैं चावल बना के रखी थी, कुकर का डिब्बा बनाती हूँ मैं चावल, और मेरा बेटा जो है दाल पसंद करता है तो उसके लिए दाल भी बना दी थी। तो ये देखिए कढ़ी को मैं एक कटोरी में ले ली हूँ और यहाँ पर चावल ले लूँगी। तो ये बन गया मेरा आज का रेसिपी, कढ़ी चावल। तो आप भी मेरी ये वाला वीडियो को देखिए, आगे शेयर कीजिए और कैसा लगा ज़रूर बताइए। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।